हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे गूगल की। जैसे आपको पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है और अगर आप गूगल में अपनी वेबसाइट डालना चाहते हैं तो कैसे डाल सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कोई भी अपनी साइट गूगल पे क्यों डालना चाहेगा। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो यूज़र हैं, ऑर्गेनिक जो यूज़र हैं, जो कोई चीज़ सर्च करके आते हैं, वो गूगल से ही आते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे है तो लोग बहुत ज़्यादा आपकी साइट को विजिट करेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पे स्कूल बैग्स बेचते हैं और कोई व्यक्ति स्कूल बैग्स खरीदना चाहता है तो वो गूगल पे लिखेगा आई वॉन्ट टू बाय स्कूल बैग्स, या स्कूल बैग्स फॉर किड्स, स्कूल बैग्स फॉर यू नो टॉडलर्स, छोटे बच्चों के लिए। ऐसी अलग अलग चीज़ें अगर बैग से रिलेटेड कोई खरीदना चाहता है तो वो गूगल पे सर्च करेगा, राइट? और आपकी साइट गूगल पे है तो आपकी साइट का रिजल्ट आ जाएगा और उस क्लिक करेगा वो व्यक्ति और आपकी वेबसाइट पे जाके बैग्स खरीदेगा या जो भी कुछ करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपनी वेबसाइट गूगल पर डालनी है ताकि गूगल से सर्च करके चीज़ें लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकें। तो अगर आप अपनी वेबसाइट गूगल में डालना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आप देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि गूगल कैसे काम करता है। गूगल एक सर्च इंजन है, अलग अलग वेबसाइट को अपने अंदर इंक्लूड करता है। आप चीज़ें गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल ये देखता है कि ये चीज़ कौन सी वेबसाइट पर मिलेगी, उस वेबसाइट को दिखाता है, लोग उस पर क्लिक करते हैं, विजिट करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं। अब गूगल क्या करता है, जितनी भी नई वेबसाइट, जितनी भी इंटरनेट पे नई वेबसाइट्स बनती हैं, सब पर जाके विजिट करता है, क्रॉल करता है। उसे बोलते हैं क्रॉल। सर्च इंजन विजिट नहीं करता, क्रॉल करता है। मतलब सर्च इंजन ये देखता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या है। जैसे मान लीजिए परसों आपने एक वेबसाइट बनाई, नई वेबसाइट बनाई, वहां पर आपने पांच चीजें डाली, पांच आर्टिकल डाले, तो गूगल क्या करेगा, उन पांच आर्टिकल को क्रॉल करेगा। गूगल हर वेबसाइट को जाके चेक करता है कि उसमें क्या है। और अगर आपने फ्लावर्स के ऊपर वेबसाइट बनाई है तो पांच अलग 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 फ्लावर्स के बारे में आपने पांच आर्टिकल लिखे हैं, तो वो पांचों आर्टिकलों को क्रॉल करेगा और देखेगा ये किस चीज के बारे में है, चुपचाप साइलेंटली, और अपने सर्च रिजल्ट में इंक्लूड कर लेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी क्वालिटी की है, अच्छे कंटेंट है उसमें, तो वो अपनी सर्च इंजन में, अपने सर्च रिजल्ट में इंक्लूड कर लेगा। कुछ दिनों बाद जब कोई व्यक्ति उन फ्लावर्स के बारे में सर्च करेगा तो चांसेस हैं कि वो फ्लावर वाली जो वेबसाइट है वो सर्च में भी नजर आए और लोग उसे क्लिक करके उस साइट पे विजिट भी करें। गूगल एक छोटी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। गूगल एक, जैसे आपको दिखता है कि एक छोटा सा पेज है, वहां कुछ भी लिखते हैं, सर्च करते हैं, एक और पेज खुलता है, दो तीन गिनती के पेज हैं, तो कितनी बड़ी वेबसाइट होगी? बिल्कुल ज्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं, लेकिन गूगल बहुत बड़ी वेबसाइट है। गूगल इंटरनेट में आजकल अगर आप बोले तो गूगल ही सब कुछ है, बन चुका है, सर्च इंजन सबसे बड़ा है गूगल। तो इसमें कितना डेटा स्टोर करना पड़ता होगा उनको, सोचिए आप एक बार कि दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी गूगल में इंडेक्स्ड हैं ज्यादातर। मैं यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन डार्क वेबसाइट्स जो होती हैं, डार्क वेब की, डीप वेब की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सरफेस वेब की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सरफेस वेब क्या होता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डीप वेब, डार्क वेब और सरफेस वेब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जितनी भी सरफेस वेब की वेबसाइट्स होती हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं गूगल में। तो इस दुनिया में बहुत अरबों खरबों वेबसाइट्स हैं, उनका डेटा स्टोर करना आम बात नहीं होती है। गूगल के जो डेटा सेंटर्स हैं, जो सर्वर्स हैं जहां पर सारा डाटा स्टोर होता है, वो बिल्डिंग्स के बड़े बड़े, घरों से भी ज्यादा बड़े बड़े, पूरी सिटी जैसे फैले हुए एरिया में कितने स्क्वायर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतने बड़े। अगर आपको जानना है कि कितने बड़े बड़े सर्वर्स हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं गूगल डेटा सेंटर्स, तो आपको दिख जाएगा कि कितने बड़े बड़े सर्वर्स हैं और कितना ज्यादा डाटा स्टोर होता है। तो ये तो रही बात गूगल की, कि गूगल क्या है और कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है गूगल, अगर आप कोई चीज बेचते हैं या अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं। आजकल तो वेबसाइट बनाना बहुत ईजी हो गया है, ज्यादातर लोग बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस पे चीज़ें डालते हैं, लोग चीज़ों को देखते हैं, साथ में वो लोग एड्स भी डालते हैं, उन एड्स को लोग देखते हैं, तो उस एड्स देखने के वेबसाइट के मालिक को पैसे मिलते हैं। तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस है, लोग इसे चला रहे हैं, काफ़ी पैसे बना रहे हैं। तो अब लोग कैसे आएंगे आपकी वेबसाइट पे? एक तरीका है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को
फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर करें तो लोग वहां से देखेंगे और आएंगे, लेकिन ये काफी लिमिटेड है। आप रोज नहीं शेयर कर सकते, बार बार कितनी जगह शेयर करेंगे? 1000 लोगों तक शेयर करेंगे, 2000, 3000, 5000 लोगों को शेयर करेंगे, और इतने विजिटर्स अगर आपकी साइट पे आते हैं दिन में, और तो कोई ज्यादा खास पैसे बन नहीं पाते। आपको बहुत ज्यादा लाखों में विजिटर्स चाहिए होते हैं अच्छे खासे पैसे बनाने के लिए गूगल एडसेंस एड दिखाकर। तो क्या किया जाए? तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ऑटोमेटिकली लोग आपकी वेबसाइट पर आए, सर्फ करें, आपके कंटेंट को देखें जो आपने लिखा हुआ है, और साथ में उन एड्स को भी देखें जो आपने लगा रखे हैं, जिसके आपको पैसे मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को इस तरह से ढालते हैं कि गूगल उनकी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट में दिखाए। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपके जो कंटेंट है अच्छे होने चाहिए, ओरिजिनल आर्टिकल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आर्टिकल्स कहीं और से चुराए हुए हैं, ओरिजिनल आर्टिकल्स होने चाहिए। दूसरी बात, इमेजेस वगैरह सही से फॉर्मेट होनी चाहिए, हेडलाइन उसकी सही होनी चाहिए, ग्रामर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसी ये सब चीजें मतलब सही से होना चाहिए, बच्चे जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं उससे अच्छे खासे पैसे बनाना। तो लोग क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको SEO बोलते हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं पहले भी इस टर्म के बारे में काफी बात कर चुका हूं, मैंने डिस्कस भी किया था कि SEO क्या होता है। आप अगर मेरी पहली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा SEO क्या होता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक कुछ छोड़ दूंगा जो आप क्लिक करके देख सकते हैं SEO क्या होता है। तो लोग SEO पे काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ढालते हैं कि गूगल की नज़र में वो अच्छी वेबसाइट हो। और अगर आप मान लीजिए बैग्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल बैग्स का, तो अगर आपकी वेबसाइट स्कूल बैग्स के ऊपर है और अच्छी खासी वेबसाइट है, तो गूगल अपने सर्च इंजन में, अपने सर्च रिजल्ट में उसको शामिल करेगा। लोग बैग्स के बारे में सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट गूगल पे नजर आएगी, लोग क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, चीजें खरीदेंगे, एड्स देखेंगे, आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये पूरा ऐसे काम करता है। अब SEO करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बैकलिंक। अब हम बैकलिंक को भी समझेंगे कि बैकलिंक कैसे काम करता है, गूगल कैसे बैकलिंक को देखता है। बैकलिंक मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक कितनी दूसरी वेबसाइट्स पर है। इससे गूगल को यह पता चलता है कि आपकी वेबसाइट कितनी फेमस है, कितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो लोग दूसरे भी आपकी वेबसाइट पर भेजेंगे। जैसे अगर एक दुकान का एग्जांपल लेते हैं, एक दुकान है जो अच्छी मिठाइयां बेचती है, तो जो दूसरे लोग हैं, दूसरे दुकानदार हैं, उनके पास अगर कोई लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे मिठाई खरीदनी थी, यहाँ दुकान आसपास किसके पास अच्छी मिठाई मिलती है, तो दूसरा दुकान वाले आप वहां कोने पे चले जाइए, वहां बहुत अच्छी मिठाइयां मिलती है, रेफर कर दिया। ऐसे ही दूसरी वेबसाइट कितना रेफर कर रही है आपको कि अगर आपको बैग्स खरीदने हैं तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, उसका एक लिंक वो डाल देती है अपनी वेबसाइट पे। यही लिंक बैकलिंक कहलाते हैं। जितने ज्यादा बैकलिंक होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट में पहले नंबर पे आपको रखे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गूगल पे जो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट होते हैं, 80% और 90% लोग उन्हीं वेबसाइट को विजिट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं तो 10वें पेज पर जाके गूगल के तब आपने वेबसाइट क्लिक की? बिल्कुल नहीं। पहला पेज, दूसरा पेज, खत्म। पहले पेज पे गए, सर्च रिजल्ट आया, नॉर्मली चीजें मिल जाती हैं, लोग उसी पे क्लिक करके अपनी चीजें ले लेते हैं, वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, बात खत्म। जो बाकी के पेज रिजल्ट में आए उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो यहां पर ये कॉम्पिटिशन है कि गूगल के फर्स्ट रिजल्ट में फर्स्ट पेज पर कौन नजर आएगा। जो नजर आएगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसकी वेबसाइट ज्यादा विजिट की जाएगी, फायदा ही फायदा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा गूगल कैसे काम करता है, कैसे इंडेक्स करता है, सारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, और तब आपके वेब रिजल्ट, वेब पेजेस को, वेबसाइट को अपने रिजल्ट में दिखाता है। अगर गूगल से रिलेटेड और बैकलिंक से रिलेटेड, क्रॉलिंग से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।